मैं समय हूँ, आदिकाल से चला आ रहा हूँ और अंतकाल तक चलता रहूंगा। मुझ में न जाने कितनी ही कहानियां समाहित होती रही हैं और सदा होती रहेंगी। कितने ही देवी देवताओं की कहानियां, ऋषि मुनियों की कहानियां, राजा महाराजाओं की कहानियां और न जाने कितने ही विद्वान और श्रेष्ठ जनों की कहानियां मुझ में समाहित हैं। जिस प्रकार एक वन में न जाने कितने ही वृक्ष, फल, फूल आदि होते हैं, परंतु उनमें से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वे इंसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं, जिन्हें हम जड़ी बूटी कहते हैं। इसी प्रकार इस संसार रूपी वन में भी कुछ अति श्रेष्ठ व्यक्ति जन्म लेते हैं, जो हमारे देश, समाज और राष्ट्र के लिए एक जड़ी बूटी के समान लाभदायक होते हैं। उन्हीं में से एक की कहानी लेकर मैं आज आया हूँ। वो हैं जड़ी बूटी के ज्ञाता शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी। बात आज से लगभग 50-51 वर्ष पूर्व उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां 4 अगस्त 1972 को जयवल्लभ एवं सुमित्रा देवी के यहां एक बच्चे का जन्म हुआ। घर में बधाइयों का तांता लगा हुआ था। लाल की मुंडन में सबको आज उसका नामकरण संस्कार था और सभी के सुझाव के बाद बच्ची का नाम रखा गया बालकृष्ण सुरवेदी। समय बीत रहा था और वह बालक बड़ा हो रहा था। जहां सभी बच्चे खेलते, वहां वह बालक प्रकृति की गोद में लिखता रहता। उसे आम बच्चों की तरह खेल खेलना पसंद नहीं आता। वो हमेशा पेड़ पौधों की सेवा करता रहता तथा उन्हीं के साथ समय बिताता। इसी प्रकार प्रकृति की गोद में समय बिताते बिताते वो बच्चा अब युवा हो चुका था और साथ साथ औषधियों एवं जड़ी बूटियों के ज्ञान का भंडार भी उसमें समाहित हो चुका था। उसने अपने इस औषधीय ज्ञान को घूम घूम कर लोगों के साथ साझा किया तथा बहुत सी पुस्तकों एवं शोध पत्रों की रचना भी की। वो योग में भी
पूर्ण विश्वास रखते थे। इसके साथ साथ उन्होंने परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज के साथ मिलकर जन कल्याण के लिए तथा अपनी पुरातन संस्कृति और ज्ञान की महत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए सन 2006 में पतंजलि योग पीठ की स्थापना की और देखते ही देखते भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई और मजबूत कड़ी के रूप में खुद को स्थापित किया। अब उनका ये कारवां चल पड़ा है और तब तक नहीं रुकेगा जब तक यह अपना लक्ष्य प्राप्त न कर ले। वो लक्ष्य है विश्वगुरु भारत। हिमालय में जन्मा हर हर का शिरोधार्य, धन धन हे प्रकृति पुत्र बाल कृष्णाचार्य, लक्ष्य अटल विश्व पटल कण कण स्वीकार्य, धन धन हे प्रकृति पुत्र बाल कृष्णाचार्य, धन धन हे प्रकृति पुत्र बाल कृष्णाचार्य। जड़ी बूटियों का ज्ञान पा लिया, विश्व स्वस्थ करने का दृढ़ संकल्प हा लिया, वन वन गुफा गुफा जपा तपा कंदरा, उपनिषद शास्त्र वेद हर हर हृदय अवतरा, आयुर्वेद से निरोग कर रहे शुभ कार्य, धन धन हे प्रकृति पुत्र बाल कृष्णाचार्य। हिमाला में जन्मा जन जन को शिरोधार्य, धन धन हे प्रकृति पुत्र बाल कृष्णाचार्य, लक्ष्य अटल विश्व पटल कण कण स्वीकार्य, धन धन हे प्रकृति पुत्र बाल कृष्णाचार्य, धन धन हे प्रकृति पुत्र बाल कृष्णाचार्य, धन धन हे प्रकृति पुत्र बाल कृष्णाचार्य।